गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप प्रसूताय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंगलं भगवान विष्णु गोविंदं भज मूढ़मते दिनरपि रजनीशाय प्रात शिशिरवसन्तो पुनरायात दिनरपि रजनीशाय प्रात शिशिरवसन्तो पुनरायात कालग्रीडति गच्छति आयो तदपि न मुञ्चति आशावायो। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं भज गोविंदं। लोगों के लिए मसीहा, समाज के लिए, देश के लिए बहुत जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को जो है समर्पण किया, ऐसे धर्मात्मा श्री स्वर्गीय सुदेश गई जी आज हम सबको इस परिवार को सभी को छोड़ करके पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी कृति, उनका योगदान, उनकी सेवा इस समाज में आप हम सब में हमेशा जो जीवित रहेगी। मनुष्य शरीर से चला जाता है पर उसके योगदान, उसकी कृतियां हमेशा जो है आपके हमारे बीच में रहती है। उनका प्यार, उनका योगदान बढ़ जाइए तेरे ऐसी कृपा करो प्रभु में दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान स्वासा भी माला ने दर्शन देता मैनो है सतगुरु जी तेरे दर्शन दी सुहासा भी माला लल सिमरा मैं तेरा सुहासा भी माला लल सिमरा मैं तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा पुरानी एकल अज तक किसे ना
दर ते आई हाँ, तेरे दर ते आई हाँ, मैनू दर तो ना खाली मोड़ी मुख दुनिया। सो गल ही रब किया कहना मतलब आप सारे ही जानते हो कि परमात्मा का भाणा सानू सारा नू मिठा करके मरना पैंदा, भावें मौत एक अटल सच्चाई है, पर जो जीव इस दुनिया ते आया उसने इस दुनिया तो एक दिन जाना ही है। साडे सत्कारयोग श्री नरेंद्र कई जी प्रधान नगर कौंसल बलाचौर उन्होंने ब्रदर राजेश कई मिंटू जी और साढ़े दरम्यान इतने हाजिर हैं। उन्होंने सारे परिवार ने लाला जी की जो सेवा की है वो किसी तो लुकी छिपी हुई नहीं। लाला जी ने जो प्यार कमाया संगत के रूप के सारे देखते दे हो, कुछ मिनटों के अपने ये जड़ा समागम है उसकी समाप्ति हो जानी है। 10-15-20 मिनट का समा संगत इस तरह सानू सहयोग करे। मैं सिर्फ 5-4 बुलारे जिन्हों का परिवार के नाल बहुत नेड़ा संबंध है उन्होंने ही बेनती कराँगा कि वो आके मंच तो अपने त्यो मौत परिवार का समाज का इलाके का लक तोड़ दिंदी है। मौत बहुत भारी होंदी है, लाला जी की मौत सचमुच पर्वत जिनी भारी है। जे मैं मौत की गल करां, मौत एक पश्चाताप है। जे तुसी किसी का बजुर्ग बीमार हो जाए उहदी बहुत सेवा करिए, उन्हूं दुनिया के सारे हस्पतालां च लिजा के जाइए ते आखर दे डैथ हो जाए पश्चाताप हुंदा है। असीं बहुत उपराला कीता, साडा मेहनत का फल नहीं मिलिया। ते जे जिवें लाला जी की मौत हुई है सानू इलाज कराने लई सानू बाहर लिजाण लई समा ना मिले, अचनचेत मौत हो जाए तो वह तो भी बड़ा पछतावा हुंदा है। अज जिन्हें भी लोग इन्हें मैं भी शामिल एक सीखने की लोड़ अज सचमुच इंसान दो कमाइया करता, दो कमाइया किनिया करता, बेअंत अथाह पैसा कमाण की गल करता इंसान। मैं समझदा अज का इकट्ठ उन्हों का प्यार टिंकू जी थोड़ी लोगों का मित्रता यह साबित करती आ कि पैसे की कमाई इस इकट्ठ दे अगे तुहाडे प्यार दे अगे लाला जी के सनेह दे अगे बिल्कुल जीरो आ। असली कमाई है। मैं टिंकू जी नूं कल गया, टिंकू जी बेशक तुसी राजनीति दे विच बहुत उपर आ, तुसी साडे शहर दे प्रधान आ, पर थोड़े तो वध कमाई थोड़े पिता जी ने की थी। पे लोग जिहड़े भी मिलते आ इको गल कहिंदे आ ਭਈ ਲਾਲਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਅਖੀਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਬੈਠਾ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਦੇਸ਼ ਕਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਵੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਸਪਤਾ ਜੀ ਔਰ ਦਮਾਦ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਟਿੰਕੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਸੀ ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚੌਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਈ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸੁਦੇਸ਼ ਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਕਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤ, ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਚੌਰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਕੁੰਕੂ ਕਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਬੜਾ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਬੂਹਾ ਰੋਕੀ ਬੂਹਾ, ਬੂਹਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਵੈਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰੋਗੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਸੋਗ ਕਰੀਜਾ ਤਾਂ ਕਰੀਜਾ ਜੋ ਆਪਣ ਜੀਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप प्रसूताय श्री गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वज मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि निपश्यन्तु मा कश्चि दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमाय पूर्णमेवं विशिष्यते गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनरपि रजनीशाय प्रात शिशिरवसन्तो पुनरायात दिनरपि रजनीशाय प्रात शिशिरवशन्तो पुनरायात कालक्रीडति गच्छति आयो तदपि न मुञ्चति आशावायो। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते। जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननि जठरे शयनं इह संसारे फलदोषारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि मरणं जठरे शयनं बाल्यावस्थावो क्रीडाशक्त तरुणावस्थावो तरुणीरक्त वृद्धावस्थावो बन्हि पृष्ठे भानु रात्रो जिमु कशमर बित जानु करदल भिक्षा तरुदल भाषण। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं। गरीबों के लिए मसीहा समाज के लिए
देश के लिए बहुत जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को जो है समर्पण किया, ऐसे धर्मात्मा श्री स्वर्गीय सुदेश गई जी आज हम सबको, इस परिवार को, सभी को छोड़ करके पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी कृति, उनका योगदान, उनकी सेवा इस समाज में आप हम सब में हमेशा जो जीवित रहेगी। मनुष्य शरीर से चले जाता है पर उसकी योगदान, उसकी कृतियाँ हमेशा जो है आपके हमारे बीच में रहती हैं, उनका प्यार, उनका योगदान। तो स्वर्गीय श्री सुदेश गए जी स्वर्ग में गए होंगे, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सज्जन, ऐसे धर्मात्मा स्वर्ग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो श्री सुदेश गए जी की आत्मिक शांति के लिए, ज्ञात अज्ञात दोष निवारण के लिए, सकल पाप क्षय के लिए, सदगति के लिए परिवार वालों के पुत्रों ने श्री गर्व पुराण जी का जो है पाठ रखवाया, जो मैंने एक हफ्ता तक जो है इसका पाठ किया उनकी आत्मिक शांति के लिए। और उस गर्व पुराण का कुछ अंश है, कुछ अवशिष्ट पेज है जो आप सभी को जो है यहाँ पर सुनाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर से आए हुए, तो आपको कथा सुनाएंगे, संगीत सुनाएंगे, भजन करेंगे, उससे भी आत्मा को शांति प्राप्त हो, वो स्वर्ग में जाए और उनको मोक्ष प्राप्त हो, और उनका जो परिवार है, उनके पुत्र हैं, बहुत आगे बढ़े। भगवान की बड़ी कृपा इस परिवार के ऊपर है, जिस तरह से परमात्मा ने, ईश्वर ने इस परिवार के ऊपर कृपा की है, उसी तरह से आगे भी ये कृपा इस परिवार में बनी रहे, भगवान इस परिवार को फलाए फुलाए आगे बढ़ाए। इतना कहते हुए अपना दो शब्द जो है यही विश्राम देता हूँ। स्वर्गीय श्री सुदेश गले जी को, उनकी आत्मा को जो है श्रद्धांजलि। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।
मैं पिंडता करती हाँ
मुख दुनिया मोड़ेगी दाता तू मुकड़ा मोड़ी लोकी मैनू मारन ताने अपने भी मेरे होए बेगाने लोकी मैनू मारन ताने अपने भी मेरे होए बेगाने तेरे दर ते आई हां तेरे दर ते आई हां मैनू दर तो ना खाली मोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी मुख दुनिया मोड़ेगी दाता तू मुकड़ा ना मोड़ी सड़ी लगी परी हवा बिच उड़ती जावांगी उड़ती जावांगी तू डोर मत्थों छटी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतन सतगुरु मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी तू डोर मत्थों छटी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल दे नल मिलता तेरा द्वारा तेरा सहारा है एक तेरे ही भरोसे एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी तू डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु मैं मैनू दूर हटावी ना कदी दूर हटावी ना इना चरण कमला नालो दूर हटावी ना मैं दूर हटावी ना झूठे जग दे अंदर फेरा पावी ना मैं मुड़ मुड़ लियावी ना दूर हटावी ना जे कट गई ते सतगुरु जे कट गई ते सतगुरु असी मलिया बुहा के तेरे द्वार दा हाथ रख दे तू एक वारी साडे सिर ते प्यार दा मलिया पुहा के तेरे द्वार दा अज तेरे द्वार दा हाथ रख दे तू एक वारी सिर ते प्यार दा साढ़े सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे चक्कर तो फिर जन्म मरण दे चक्कर तो मैं बची जावांगी बच
ਬਚੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਈਆਂ ਡੋਰ ਮੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਡੋਰ ਮੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁਰੇਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਮਾਟੀ ਕਹੇ ਕੁਮਾਰ ਸੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੋਦੂੰਗੀ ਤੋਹੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਜਪਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਪਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ ਸੁਖ ਮੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਸੁਖ ਮੇ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰੇ ਤੋ ਦੁੱਖ ਕਾਹਨੇ ਤੋ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਤੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੌਤ ਸੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਸੌ ਵਰਸ਼ ਕਾ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਲਾਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਕਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ
स्वभाव की बातें थी जो मैंने एक भजन में आपको सुनाई है। आज आया हुआ यहां पर हर व्यक्ति बड़े बड़े प्रतिष्ठित और बड़े बड़े अहदेदार आज इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं। हमारे पूज्य माताजी श्रीमती कमलेश रानी जी गई, आज जिनके दिल में बार बार रह करके उनके प्यार की याद और साथ बिताए हुए जीवन के वो पल याद आ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा के रब्बा मरण न कदी मसूम बच्चे। हे मेरे परमात्मा, न कदी मसूम बच्चे ते मेल टुटन ना सकिया पाया
निके बच्चियां दियां ना मरण मावा ते पुत्र मरण ना बुढ़िया माइयां दे वीर मरण ना मरण न सजवे आइया दे उस ईश्वर दे लिखे नु कौन टाले जेड़ा लिख दे लेख खुदा आइया दे सुनो भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश विधि हाथ ये रचना तो उस परमात्मा के हाथ में है और ये जिंदगी का जो दीपक है हम अगर कोई जोत जगाते हैं कोई दीवा जगाते हैं उसमें कितना तेल डाला है और वो कितनी तेल जलेगा ये हमें पता होता है लेकिन इस जिंदगी के दीपक बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल दीवे दिलों वांगू जिंदगी ना खेल बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल दीवे दिलों वांगू जिंदगी ना खेल बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल दीवे दीवे दिलों वांगू जिंदगी का खेल बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल आपे फल पौड़ाई नेकी ते बदी वाला होना जदों मेल बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल दीवे दिलों वांगू जिंदगी दा खेल बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना थोड़ी दूर का सफर भी करना होवे असी रस्ते का सारा समान तैयार कर लेने हैं उस रस्ते का कोई भी इंतजाम असी नहीं किया रोंदे नू हसाई ते दस खां उठाई ते दस खां किसे भुखे नू खवाई ते दस खां दिलो मैल नू हटाई ते दस खां लेकिन बंदे इसमें से कोई काम भी तूने नहीं किया और धर्मराज जब लेखा मांगे
तो क्या मुख लेके जावेगा। बंदे आ मुसाफरी च बड़ा पछतावेगा, नाम वाली गड्डी पै जा सौखा होके जावेगा। बंदे आ मुसाफरी च बड़ा पछतावेगा, नाम वाली गड्डी बह जा सौखा होके जावेगा। जे स्टेशन ते सुता रहेगा, स्टेशन ते सुता रहेगा, लंघ जानी रेल पुछ जाना डीवा, जदों मुक जाना तेल दीवे दी लाओ वांगो जिंदगी दा खेल, पुछ जाना डीवा जदों मुक जाना तेल, पुछ जाना डीवा जदों मुक जाना तेल। ये सब चेतावनी हमारे संत, हमारे ग्रंथ, मंदिर में भजन, गुरुद्वारा साहब में गुरबाणी पल पल हमें समझा रही है कि बंदे इस यात्रा में जो सामान चाहिए वो इकट्ठा कर ले। शायद इस बात को हमारे सुदेश कुमार घई जी ने बड़े मन और चित्त से सुना और इस संसार के शुभ कर्म उन्होंने बहुत किए, क्योंकि इस संसार में जब हम आए थे तो हम रो रहे थे। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब हम आए जगत में, लेकिन आज परिवार के, समाज के आंखों में आंसू हैं और सब यही कह रहे हैं, चिट्ठी न कोई संदेश दस दे किथे गए ओ वीर मेरे, ते कोई दस दे पता निशान सानू, ओ केड़ी जगह एते देश केड़ा, दस किथे मिलांगे आउन तेनू, तेरे बाजों कर सुना पे लगदा ए तिया पुत्र पे बुलाउन तेनू, सके संबंधी ते रिश्तेदार सारे ढूंढ रहे ने विच जहान तेनू, लेकिन दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं कहां, और कोई ढूंढे भी तो कैसे, नहीं है कदमों के भी निशान। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए कहां तुम सुरुकते हैं, तेरी यादों के कांटे दिल में चुभते हैं, न दर्द ठहरता है, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए
कुमार भाई जी के लिए उदास हैं, जितने आज हम आंसू बहा रहे हैं, जितना हम सबको उनके चले जाने का दिल में दुख है, आप जरा सोच कर देखिए कि जिस वक्त तो हमें छोड़ने का भी उनको बहुत दुख हुआ होगा कि मैं ऐसे बेटे बेटी धर्मपत्नी परिवार मित्र ये समाज ये भगवान का बनाया हुआ संसार छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन उस वक्त हमें कुछ सुध बुध नहीं होती, हम नहीं आह भरी होगी सानू छोड़ के जाते हैं, उन्होंने जरूर हाँ भरी होनी है कि मैं जा रहा मेरा बस नहीं चल रहा होगी, हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त रहेगा गम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए, माता बन के देने पर छावा बाप का रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप का रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, जिन्हां दे सिर ते प्यो नहीं हुंदा पुछ उन्हां नूं जाके, जिन्हां दे सिर ते प्यो नहीं हुंदा पुछ उन्हां नूं जाके, जीना पैंदा इस दुनिया विच किवें ठोकरा खाके, प्यो दे सुख बड़े हुंदे ने प्यो दे सुख बड़े हुंदे ने की सुख गिणावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाजू तियां नू ना कोई लाड लड़ावे बापल बाजू तियां नू ना कोई लाड लड़ावे, प्यो दे बाजू पुत्रा दे ना कोई नाज उठावे, प्यो दे मान बड़े हुंदे ने प्यो दे मान बड़े हुंदे ने मुक्ति गल मुकावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, जिस पिता में इतनी खूबियां हो, जिसने हमें जन्म दिया पालन पोषण किया इस संसार में हमें प्रतिष्ठित बनाया, सिर पे रख रख पावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुना सुनो मैं अज सुना सुनो मैं अज सुना, जय जय राम बोलो थोड़ा सा जोर और लगाइए। जिंदगी कैसे बीत जाती है ये पता भी नहीं चलता। एक दाया दाया बचपन खेल गवाया, राम राम कदू जपोगे, एक दाया दाया बचपन खेल गवाया, राम राम कदू जपोगे, दो दाए भी
घर आ गई किसे दी थी, फिर विवाह हो गया तो दाया भी, घर आ गई किसे दी थी, ते राम राम कदों जपोगे, तेन दाया थी हो गया पुत्र नाले थी, दो बच्चे हो गए, तेन दाया थी हो गया पुत्र एक भी, ते राम राम कदों जपोगे, समय नहीं मिला, चार दाया चाली करा बच्चियां दी रखवाली, चार दाए चाली करा बच्चियां दी रखवाली, ते राम राम कदों जपोगे, अब बच्चे भी बड़े हो गए तो फिर भी राम नाम नहीं जपा, तो संतों ने कहा अब तो जप ले, लेकिन वो क्या कहता है, पंज दाए पजा करने बच्चियां देने व्या, पंज दाए पजा करने बच्चियां देने व्या, ते राम नाम कदों जपोगे, बच्चों के विवाह भी हो गए फिर भी नाम नहीं जपा तो क्या कहता है, छे दाया सठ बच्चे करने वखो वक, छे दाया सठ बच्चे करने वखो वक, ते राम सो गाली रब किया, कहने का मतलब आप सारे ही जानते हो कि परमात्मा का भाणा सानू सारे नू मिठा करके मनना पैंदा, भावें मौत एक अटल सच्चाई है, पर जो जीव इस दुनिया ते आया उसने इस दुनिया तो एक दिन जाना ही है। साडे सत्कारयोग श्री नरेंद्र कई जी प्रधान नगर कौंसल बलाचौर, उन्होंने नाल उन्होंने ब्रदर राजेश कई मिंटू जी वो साढ़े दरम्यान इतने हाजिर हैं, उन्होंने सारे परिवार ने लाला जी की जो सेवा की है वो किसी तो लुकी छिपी हुई नहीं, लाला जी ने जो प्यार कमाया संगत के रूप के सारे देखते हो, कुछ मिनटों के आपने ये जड़ा समागम है उसकी समाप्ति हो जानी है, 10-15-20 मिनट का समा संगत इस तरह सानू सहयोग करे, मैं सिर्फ 5-4 बुलारे जिन्हों का परिवार के नाल बहुत नेड़ का संबंध है उन्होंने ही बेनती करांगा कि वो आके मंच तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करन। सब तो पहला मैं बेनती करा सरदार महा सिंह रौड़ी जी सकत्तर CPIM वो मंच देते आन अते लाला जी नूं अपने श्रद्धा दे सुमन अर्पित करन। महा सिंह रौड़ी जी लाला जी दे सोग समाज इकत्तर हुए साध संगत जी, जिवें तुसीं सारे जानते हैं मौत एक अटल सच्चाई है, पर मौत मौत विच अंतर हुंदा है, मौत कखां तों भी हौली हुंदी है ते मौत पर्वत तों भी भारी हुंदी है। जिहड़े लोग समाज लई जिहड़े परिवार समाज लई जिन्हां दे परिवारां दे मुखी समाज लई काम करदे है ते ओह मौत परिवार दा समाज दा इलाके दा लक तोड़ दिंदी है ते मौत बहुत भारी हुंदी है। लाला जी दी मौत सचमुच पर्वत जिन्नी भारी है। जे मैं मौत दी गल करां मौत एक पश्चाताप है। जे तुसी किसी दा बजुर्ग बीमार हो जावे उहदी बहुत सेवा करिए उन्हों दुनिया के सारे हस्पतालों च लिजा के जाइए तो आखिर डैथ हो जाए पश्चाताप हुंदा है कि असी बहुत उपराला किया साडा मेहनत का फल नहीं मिलिया। तो जे जिवें लाला जी की मौत हुई है सानू इलाज कराने लई सानू बाहर लिजाने लई समा ना मिले अचनचेत मौत हो जाए
तो वो तो भी बड़ा पछतावा होंगे। असी सारा कुछ होंद हो लाला जी के स्वासा वधाने कुछ कर नहीं सके। ये पश्चाताप टिंकू घई जी नू मिंटू घई जी नू ते सारे परिवार नू मित्रां सज्जनां नू हमेशा ही रटदा रहूगा। मौत ते जिंदगी च फर्क हुंदा है। जिंदगी हुंदी है जदों बंदा जीवन च आउंदा है उहदियां कुछ ड्यूटियां हुंदियां है, वो परिवार लई हुंदियां, समाज लई हुंदियां, देश लई हुंदियां, इंसानियत लई हुंदियां है। जिहड़े लोग अपने परिवार लई इंसानियत लई समाज लई ड्यूटियां लैके जांदे है निभा के जांदे है मित्रों मरदे नहीं वो जिउंदे रहिंदे। तो जदों ड्यूटी ते मुक्त हो जाए बंदा उहनूं मौत कहिंदे है। जदों बंदा ड्यूटी ते मुक्त हुंदा ही उदों है जदों मौत हो जाए। तो मैं इहदे नाल एक गल जरूर कहूँगा, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्पीकर साहब साढ़े बैठे उन्होंने बोलना है, मैं एक बेनती करूँगा। कई बार आप कहने प्यो मर गया, माँ मर गई, मापे मर गए, मैं कदे इस गल नाल सहमत नहीं होया। मापे कदे नहीं मरते, तो मापे जिउंदे भी मैं मरते देखे। जिहदी औलाद जिहदा परिवार इहो जिहा परिवार होवे, आग्याकारी परिवार होवे, जिहदा पुत समाज दे विच चंद वांगू चमकदा होवे ते लोकां नू रोशनी दिंदा होवे, आग्याकारी होण भाई ओ प्यो मरण तों बाद भी जिउंदा हुंदा, ते जदों भी गल छिड़ूगी जदों टिंकू दी ते मिंटू ते परिवार दी गल छिड़ूगी चंगी गल छिड़ूगी ते जरूर कहणगे ये घई जी दे लाला जी दे पुत्तर है। ते जदों ये कहणगे घई जी दे पुत्तर है तां लाला जी जिउंदे है। ते जे पुत किते कपुत जन्म पवे जिहे जे हुण कई गिणती च वधदे जांदे है, जे पुत तकड़ा हो के नशे का किता करन लग पवे, चोरियां ते डाके मारन लग पवे, चिट्टा बेचदा फड़ हो जावे, ते भाई चाहे मां जींदी होवे ते चाहे प्यो जिउंदा होवे, जां थाणे च गल करूगे जद प्यो दा नां लैणगे ते प्यो मरिया ही हुंदा जिउंदा नहीं हुंदा। मैं बेनती करां असीं सारे ही, क्योंकि सियाणे कहिंदे आ जे दुख शरीक हुंदे आ दुख घटदा, जे खुशी शरीक हुंदे आ खुशी वधदी है। असीं सारे ही स्पीकर साहब समेत घई साहब दे परिवार नूं दिलासा देण आए हां, ते असीं उस परिवार नूं दा दुख बढ़ाउण आए हां। राज समाज जीवन दे विच दो चीज़ां तीन चीज़ां बंदा करदा ते प्राप्त करदा, ते तीन स्टेजां हुंदियां हैं, एक समाजिक तौर ते, एक आर्थिक तौर ते, ये राजनीतिक तौर ते। जे मैं तिना स्टेजां की गल करा ये परिवार ते लाला जी तिना ही स्टेजां च निपुण सीगे। जे समाजिक तौर ते गल कीती जावे, मैं लंबी गल नहीं करनी, आ जिहड़ा कट्ठ ये दसदा है पे लाला जी ने समाजिक तौर ते किन्ना प्यार वंडिया है, ते लाला जी ने किन्ने प्यार दे लोकां नूं प्यार नाल जित्तिया है। लोकां पा भाई वेल नहीं हुंदा ते ना लोकी एवें आंदे है, जे किसे प्यार दा छट्टा दित्ता होवे तां भाई प्रबंधकां नूं होर प्रबंध करना पैंदा ते दूर तक लिजाणा पैंदा ते लाइनां लंबियां लगदियां है। जे आर्थिक तौर ते मैं गल करां उही सपुत हुंदा है जिहड़ा पुत दी जायदाद नूं वधावे ते वह जायदाद दो नंबर च ना कमावे, अपनी मेहनत करके दौलत कमावे ते अपने धी पुत नूं मेहनत करके पाले पोसे, ते वह धी पुत उहदा सिट्टा दिखदे होण भी वह मेहनत की कमाई नाल पालिया। स्टेट सैकटरी साहब हथ लाने लग पे। तीजी गल मैं जरूर करके जाना राजनीतिक तौर पर, राजनीति दे विच भी
जे किते किसे प्यो दा पुत्र राजनीति दे विच चमकदा होवे तां प्यो नूं बहुत खुशी हुंदी है। मैं उस प्यो दी गल कर रहा हां क्या राजनीति दे विच संकट भी आए होणगे इस परिवार ते बदला लो कार्रवाई भी होई होगी तां मैं बहुत देखे पाले बदल दे इधर तो उधर ते उधर ते उधर राजनीति दी आदत है इक पर मैं इस परिवार नूं देखिया बहुत बड़ा संकट भी आया ते आर्थिक तौर ते नुकसान भी होया पर बापू ने प्यो पुत नूं इह कहा टेंकू कही घबराणा नहीं इह दिन आंदे जांदे है ते जे इहो जे प्यो दिलासा देण ते पुत डोलदे नहीं हन सो मैं अंत दे विच शरदा दे फुल फेर भेंट करदिआं बेनती करूंगा वी सारे सूत्र लैके जायो जे ड्यूटियां निभाणियां होण तां लाला जी तरह ड्यूटियां निभाईआं जाण ते जे आग्याकारी करनी होवे ते टेंकू ते मिंटू ते बाकी परिवार वांगू अपने मां प्यो की आग्या कर कीती जावे इह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं CPIM वालों लाला जी नूं शरदा दे फेल भेंट करदा सिर झुकांदा धन्नवाद जी बहुत बहुत धन्नवाद जी। हुण मैं बेनती करां कामरेड परमिंदर मेनका जी MC बलाचार शनिवार का दिन सी मैं सवेरे जरूरी काम के कारण टिंकू जी को आया पूरा दिन लाला जी दे को रहा सचमुच मौतां बहुत देखियां इदां दी हैरानी वाली मौत पहली बार देखी। मैं 7:30 बजे के करीब KG को अपने घर गया 9:15 बजे पता लग्या कि घेरी साहब की मौत हो गई। टिंकू जी अज जिन्हें भी लोग इन्हें मैं भी शामिल एक सीखने की लोड़ अज सचमुच इंसान दो कमाइया करता दो कमाइया किनिया करता बेअंत अथाह पैसा कमाण की गल करता इंसान। मैं समझदा अज का इकट्ठ उन्हां दा प्यार टिंकू जी थोड़ी लोगों नाल मित्रता यह साबित करती आ कि पैसे की कमाई इस इकट्ठ दे अगे तुहाडे प्यार दे अगे लाला जी के स्नेह दे अगे बिल्कुल जीरो आ असली कमाई आ। मैं टिंकू जी नूं कल गया टिंकू जी बेशक तुसी राजनीति दे विच बहुत उपर आ तुसी साडे शहर दे प्रधान आ पर थोड़े तो वध कमाई थोड़े पिता जी ने की लोग जिहड़े भी मिलते इको गल कहिंदे आ भई लाला सुदेश जी ये किन्ने वधिया इंसान सन जिहड़े हर एक व्यक्ति नूं बिना भेदभाव तो प्यार करदे सी। इन्ना दुख लग्या हर व्यक्ति मरण तो पहला अपनी जिंदगी दे दौरान जिन्ना चिर साह लैंदा मैं समझना कोई ना कोई गलती तो उनताई जरूर करता है। लाला सुदेश के जी जिन्होंने हमेशा ही कि टिंकू जी मेरे बहुत मित्र आ हमेशा मैं अपने बापसमन समझिया खुशी इस गल की है मन कि साढ़े पिता जी लाला सुदेश के जी किसी भी व्यक्ति दे कोलों कोई मतभेद लैके नहीं गए हर व्यक्ति कोई गल कहिंदा कि कदे उन्होंने उच्चा बोलता नहीं देखा कदे लड़दा नहीं देखा कदे किसी भी पंचायत जां उच्ची नीवीं गल च जांदा नहीं देखा। कई साहब अज ये गल मैं कहनी जरूर चाहना कि साढ़े पिता जी लाला सुदेश जी सचमुच स्वर्गों च गए आ जिथे इन्ने लोग रब वर्गी संगत हुम हमा के आ जाए हड़ आ गया सलाब आ गया लोगों का लाला जी इस वेले स्वर्ग च गए आ। मैं परमात्मा अगे बेनती करदा परमात्मा जी जिहड़ी गल महासिंह रोड़ी कह के गया सच गल आ MLA साहब मेरा मित्र टिंकू कई इन्ने दुखां दे विच इन्ने बड़े बड़े पहाड़ गिरे लोगों ने हर कोशिश की कि व्यापार बंद किया जाए और उन्होंने इन्ना कमजोर किया जाके कि खड़ ना सके ये बंदा अपनी जगह पर खड़ा रहा और ये खड़े होने का अच्छ मुल मिलया कहने लोग हर दी तरह इतने आए आ। कई साहब खड़ना एक जगह पर बल मिलता ताकत मिलती है तो लोगों के इन्ना प्यार मिलता आ। मैं परमात्मा अगर बेनती करदा परमात्मा लाला जी सुदेश के जी साडे पिता जी स्वर्ग च बास दई मेरे मित्र मेरे इस परिवार को बदन फुलण का
जिहो जिहा मेहनत कर रहे लोगों के इन्नी तरक्की बख्शी कि सारा ये दुख भुलजन इन्हों जात जो पिता जी की आँदी है ये महसूस कर सारी कमाई जो साढ़े पिता जी की आना कहता हुआ वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करा मैडम वरिंदर कौर ठांडी जी, चेयरमैन समाज भलाई क्लब समाज भलाई, वो आके परिवार के नाल अपना श्रद्धा ते सत्कार उन्हां दा भेंट करन। मैं एक बेनती कर रहा साडे वीर नरेंद्र कही टिंकू जी प्रधान नगर कौंसल बलाचौर, उन्हां दे पूजनीक माता जी श्रीमती कमलेश रानी XMC बलाचौर वालों लाला सुदेश कही जी की याद दे विच केरला दे हर पीड़ितों वास्ते 11,000 रुपए की माइक सहायता, मानयोग DC साहब श्री विजय विनय बबलानी जी उन्होंने रास्ते ये भेजी जाती है। मैं बेनती करा कि वो प्रधान जी तुसी DC साहब को भेंट कर दो। सारे पहुंचे मेरे वीर मेरिया भैन बजुर्ग, अज असी कई परिवार के नाल उन्हां दे बजुर्ग दे विछोड़ा देन ते उन्हां दे नाल दुख सांझा करन लई इकट्ठे होए हां। कई परिवार किसी पहचान का मुहताज नहीं, क्योंकि सारा इलाका जानता कि ये बहुत ही सुलझा होया पुराना परिवार है। इलाके च गालुआ पिंड तो उठ के आके बलाचौर दे विच इन्हां ने जो अपनी पहचान जो होन इन्हां दे बजुर्गां ने बनाई, अज हुण तक वो सारी पहचान अगे तो अगे उन्हां दे बच्चियां ने बरकरार रखी हुई है। लेकिन दुख हुंदा है जदों किसी इंसान का अचानक चले जाना, कोई बीमार होवे, कोई इंसान उहदा इलाज करावे और बेवा हो जावे कि कोई लाइलाज बीमारी सी असी ठीक नहीं कर सके, तो किसे दिल दे कोने नूं थोड़ा जिहा सुकून मिल जाता कि परमात्मा की रज़ा इस तरह सी, असी उहदे अगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अचानक एक इंसान दा रोटी खांदे खांदे बिच्चे रोटी छड़ के चले जाना, मेरा ख्याल हले तक परिवार नूं इस चीज़ का यकीन भी नहीं आ रहा। पर असी सारे जानते हाँ कि ये दुनिया जाना जाना साडे स्वास किस हिसाब नाल लिखे हैं उस परमात्मा नूं पता है। लेकिन इंसान दे जन्म तो लैके इस दुनिया दे जान तक एक लेखा जोखा जो सारा समाज करता है, अज इस गल नूं असी बड़े माण दे नाल कह सकते हाँ कि साडा ओह वीर जिस परिवार च जन्मया अखीर जान तक उस परिवार लई उसने उदां दे कम किते कि अज सारा समाज अब बैठा जो इस चीज़ की हामी भरदा कि सुदेश भरा जी ने हर व्यक्ति दे दुख सुख दे विच बराबर खड़ के उहदा साथ दिता। और उस दिन भी बड़ी हैरानी की गल है कि किसी के संस्कार तो वापस आए और जदों भी किसी ने यह गल सुनी हर एक ने यही गल किया कि मैनू बाजार चांदे आंदे स्कूटर खड़ा करके भी हर बंदे नाल हाथ किसी नाल मिला के किसी नूं नमस्ते कह के किसी बच्चे नूं प्यार दे के उस तो बाद घर आए। लेकिन उस परमात्मा नूं की मंजूर सी ये उही जानदा। बहुत वड्डा घाटा पिया इस परिवार के बच्चों साड़ी उस भैन नूं। लेकिन उस वाहेगुरु के अगे किसी का भी जोड़ नहीं चलता। एक गल जरूर कह सकते हाँ कि इहो जिहे परिवार इहो जिहे बजुर्ग जद अपने परिवार को वधिया संस्कार दे के वधिया परवरिश करके जाते हैं तो कहते हैं कि जिस तरह किसी माली ने अपनी फुलवाड़ी बहुत वधी तरह शिंगारिया हुंदा है
ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟਹਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ 'ਚ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਜੇਸ਼ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹਨ, ਟਿੰਕੂ ਗਈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੋ ਅਚਨਚੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਘਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਗੜੀ ਬੱਚੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਆਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀਏ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਦੇਸ਼ ਘਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ।
मैं सिर्फ इन्ना कह सकता कि अज का जिहड़ा कट्ठ इहनू देख के पता चलता कि इस परिवार की समाज में की छवि आ की इन्हां दी कमाई आ। और मैं समझदा कि यह लाला जी का आशीर्वाद आ अपने परिवार से जो उन्होंने अपने बच्चों मेरे बड़े वीर मिंटू जी नू टिंकू जी नू जिहड़ी उन्होंने सेध दित्ती और अज एक वधिया ढंग नाल उह समाज विच विचर रहे आ लोक सेवा नाल जुड़े हुए आ शहर के प्रधान ने। यह ताई हुंदा जे घरदिआं दा आशीर्वाद होवे एक वधिया घरदिआं तों सेध मिली होवे। सो लाला जी की परवरिश कोई कमी कोई देख नहीं सकता कोई कमी कोई कह नहीं सकता। और जिवें दस्या गया कि इस परिवार के उपर बहुत जिहड़ा तुसीं कह लो कि पोलिटिकल वेंडेटा जिहड़ा हुंदा रहा। मैं बहुत ही इस गल दे विच नहीं पाऊंगा किसी नूं चंगा माड़ा कहना मैं ठीक नहीं समझदा पर इस परिवार ने हर समय चो यह गुजर के गया और जिहड़ा पार्टी का झंडा इन्होंने हमेशा बुलंद रख्या। और मैं मान नाल इह गल कह सकदा इत्थे चौधरी साहब भी बैठे आ मानयोग स्पीकर साहब भी आए आ स्पीकर साहब तो सारा कुछ जानते इस इलाके बारे। अज चौधरी साहब की जित हुई है या मेरी जित हुई है तो कितने ना कि जिते नवा शहर या बलाचौर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा थोड़े आशीर्वाद ना होया इस परिवार का भी एक बहुत बड़ा मैं समझदा योगदान रहा कि परमात्मा ने अज ये दिन दिखाया। सो इस दुख की घड़ी च मैं अपने वालों अपने परिवार वालों कांग्रेस पार्टी वालों परमात्मा मोरे ये अरदास करदा कि जिहड़ी बिछड़ी रूह आ उन्हां नूं अपने चन्ना च निवास बख्शन अते पिछे परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शन। ओम शांति शांति शांति। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्हां वल्लों उन्हां दे कैप्टन संदीप संधू जी OSD साहब उन्हां वल्लों भी शोक मत आया है। इस तरह लोकल बॉडी मिनिस्टर सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू उन्हां वल्लों भी शोक मत आया है। साबका केंद्रीय मंत्री मैडम अंबिका सोनी जी मैंबर राज्यसभा वालों भी शोक मत आया है। सरदार रवनीत सिंह जी बिटू मैंबर पार्लीमेंट लोकसभा हलका लुधियाना वालों भी शोक मत आया है। इस तरह नगर कौंसल बंगा वालों श्री रघुनाथ सिद्ध मंदिर बाबा बालक नाथ कमेटी माछीवाड़ा तो दाणा मंडी आड़ती एसोसीएशन बलाचौर वालों श्री गोपाल गौशाला बलाचौर वालों अते पंजाब केसरी ग्रुप जलंधर वालों उन्होंने वालों भी शोक मते आए हैं। हुण मैं बेनती करा मानयोग चौरी दर्शन लाल जी मंगूपर हलका विधायक बलाचौर वो आके परिवार के नाल अपना दुख साझा करन। पंडित जी अज साडे दुख की घड़ी च बहुत पहुंचे बहुत ही सत्कारयोग राणा के पी स्पीकर साहब अंग जी MLA बलाचौर होर भी बख बख पार्टियां दे लीडर साहबान मेरे बजुर्ग नौजवान मेरिया भैन मुतावान अज का इकट्ठ दसता है सुदेश कुमार जी ने लाला जी ने अपनी जिंदगी दे विच क्या कमाई करके गए वो बहुत वड्डी कमाई करके गए कहने उन्हें जिहा जिरी लिखिया तिहा वो कमाई कले आवे नानका सदे आदि हुक्म नाली बंदा आता वो हुक्म नाली जाता है। पर जिस तरह मेरे तो पहला महान सिंह जी ने बड़े विस्तार नाल उन्हां दी जीवनी बारे भी दस्या है मेनका जी ने भी दस्या है। वैसे मैं एक गल जरूर कहांगा लाला जी ने जिहदी वाह फड़ी उमर के कदी छड्डी नहीं इन्होंने सारा जीवन अपना बहुत वधिया बतीत किया चाहे आड़त का काम किया चाहे पोलिटिकल लाइफ की गल मैं दसदा। इस तो पहला भी टिंकू जी ने शहर वासियों ने जिम्मेवारी सौंपी सी बड़े बेखूबी बहुत वधिया ढंग नाल पर मैं जरूर कहांगा जिस तरह अंगद जी ने कहा मेरे इलेक्शन विच मैं कहण ते गरीब नहीं करांगा कई परिवार ने जिहड़ा हैगा बहुत वड्डा इन्होंने जो जिम्मेवारी सुदेश जी ने लई सी वो पूरी की जे वो बीमार होए है मैं अज तो तुहानू दसना चाहना भी जिहड़ा उन्होंने आखिरी समा है उस तो 5-7 दिन पहले
टिंकू जी ने धक्के भेजे DMC भी तुम चेक करा के आओ। वह कहते जब मैं कोई तकलीफ ही नहीं, मैं जाना ही नहीं है। पर नहीं, इन्होंने फिर भेजे उत्थे, सारिया रिपोर्टा ठीक आई, कोई उन्होंने दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं सी। उस दिन मेरे तो चेयरपर्सन पहला दस्या भी किसी संस्कार भी जाके आए, सारे मित्र दोस्तों मिल के आए और रात को कृष्ण नाटक देखने वो भी देखा। गल कह मेरा भाव है भी उन्होंने जी मौत आई वह साधु संत आई आई है, एक बहाना बनया, पर फिर भी इस परिवार तो रिहा नहीं गया। फिर भी नवा शहर लैके गए, पर उन्होंने कहा नहीं, इसका 15-20 मिनट हो गए भी इन्हों का हो गया। इस तो पहला जे 20-25 दिन पहला लड़की सप्ता जी और दमाद 20-25 दिन पहले ही कनेडा गए थे, पर फिर उन्होंने जोड़ा वापस आना पे। मेरे ना काफ़ी गल्ला कर लेंगे सके, असं जरूर जाते थे, पर उन्होंने जी तैयारी सी कनेडा जाने की सी। मैंने कहते कनेडा जाना, तुम भी नाल मैं चलो, मैं बड़ा कहना, मैं कहा चलो तुम पहला चलो फिर मैं आऊँगा, कहना इकट्ठे चलना। पर तैयारी कनेडा की की, परमात्मा ने तैयारी किसी होर पास कर दी। जो परमात्मा मंजूर है होना उ है, पर मैं अज शहर वासियों का भी धन्यवाद करता हाँ टिंकू जी ने। वैसे मैं जो इकट्ठे होना असं यही कहना भी टिंकू इलाके का विकास करना, शहर का विकास करना, लोग याद करना, पर यह उसी लिहाज से चलिया वा टिंकू जी पूरा इलाके का बड़ा चौर का विकास कर रहा। मैं शहर वासियों का बड़ा धन्यवाद करना हाँ जिन्हें कि इन्होंने ये कंधियों की जिम्मेवारी सौंपी हैगी है। अज मैं हमेशा ही उन्होंने इलाके की विकास के वास्ते काम कहना, होर कोई काम नहीं कहना। अज इन्होंने लक्ष्मण मिंटू जी आए, मेरे ख्याल अजे 8-9 महीने ही होए तो इंतजार उत्थे करते सके फादर जी उत्थे आएंगे, पर आना इन्होंने कोई होर पासे पै गया। पर भाई मौत टालर सच्चाई है, मौत नूं अगे पिछे कोई कर नहीं सकिया। पर अज दा इकट्ठ दसदा है भाई सुदेश लाला जी ने क्या कुछ करके गए, क्या कमाई की है, पर अज उन्होंने सपुत्रां नूं भी पता लग जाता। जिहां सरदार महा सिंह ने जा के आया सीगा भाई सपुत एक कपुत होंगे एक सपुत, सच मनो इन्हां दे दोनों सपुत्र जिहड़े हैगे सपुत है, जिन्होंने एक कनेडा दे विच बहुत वड्डा नाम बनाया साढ़े बड़ा चौर साढ़े पूरे इलाके का। टिंकू घई जी ने जिहड़ा हैगा पूरे बड़ा चौर नहीं मैं कह सकता, मैं तो पूरे जिले के कह सकता या पंजाब दे विच भी प्रधाना विच बहुत वधिया जिहड़ा हैगा काम कर रहे हैं, जिहड़ा कि बड़ा चौर नूं भी ये 10वें 11वें नंबर पर लिया है जिथे कि ना ही नहीं सीगा पहला बड़ा चौर का। गल कहने दा सारे कई परिवार की हिम्मत हैगी है। अज जे स्पीकर साहब की गल करिए साडे मैं कह सकदा बड़ा चौर के नाल जिड़ा इन्हों का प्यार है खेत है तो इन्ना किसी का नहीं है। मैनू भी 24 घंटे यही प्रेरणा देने हैं, कहने भी चौधरी साहब तगड़ा होकर काम कर, किसी चीज़ की कमी नहीं आ देवे। टिंकू ने भी यही कहने हैं भी कोई फंडा की नहीं कमी आ करा। असं तो राणा जी तो हमेशा ऋणी रहने, तो परमात्मा ने पोस्ट भी ऐसी देती इस इलाके, मैं कहना भी विधानसभा के स्पीकर साहब न गॉड कहा गया भी एड्डी सानू साड़ी सारी बड़ा चौर हल्के नहीं सारे बड़ा चौर जिले में और रोपड़ जिले में बड़ा यदा भी फकर वाली गल है। बाकी मैं जिन्हें भी अज तुसी आए बड़ी मैनू अज जिन्ना मैनू वड्डा दुख है श्री लाला जी दे जान दा, मैनू एक खुशी अज महसूस होंदी है भी एड्डा वड्डा प्यार वह बखेर के गए हैं कि लोग वख वख पार्टियां दे क्या पिंडां तों क्या शहरां तों क्या नवां शहर तों साडे प्रधान जी आए होर भी जिन्हें भी बख बख शहरों तो आए हैं एड्डा वड्डा वो प्यार बखेर के गए हैं। पर मैं अज उन्होंने दोनों सपुत्रों अपने टिंकू जी ने भी और मिंटू जी ने भी उन्होंने भी पद चलना तो थोनों चलन की लौड़ है, तुम चलते भी है चल भी रहे हैं। पर भी मैं फिर भी दोबारे कहाँगा भी जिस तरह लोग चाहते हैं उन्होंने चिन्ह चल के असी पूरा उतरन की कोशिश तुम करो। बाकी समाज इलाका थोड़े नाल है, तुसी जदों भी याद करनगे वो 24 घंटे हाजिर आ। मैं अपने वालों उन्होंने लाला जी ने श्रद्धा के फल भेंट करदा और ईश्वर अगे प्रार्थना करदा उस बिछड़ी आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में नवास देवे, पिछे परिवार के सारे रिश्तेदार दोस्तों ये भाणा मन का वल बख्शे। श्री सुरेंद्र कुंदरा जी प्रधान नगर कौंसल माछीवाड़ा, राणा कुलदीप सिंह जी जाडला जनरल सकत्तर PPCC,
श्री ललित मोहन पाठक बल्लू जी प्रधान नगर कौंसल नवांशहर, श्री भारत भूषण गोयल जी प्रधान नगर कौंसल बंगा, श्री दीपक अलोरी जी मानजोग SSP साहब, श्री नरेश डोगरा जी मानजोग SSP साहब, चौधरी RP सिंह जी समाज सेवी, रिकी बजाज जी, चौधरी प्रेमचंद भीमा जी बुलारा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस गरदारी लाल जी खटाणा समिति मैंबर, नरेश चेची जी MC साहब, लाल बहादुर गांधी जी MC साहब, तिलक राज सूद जी प्रधान ब्लाक कांग्रेस सड़ोआ, हरजीत सिंह जी जाडली प्रधान ब्लाक कांग्रेस बलाचौर, चौधरी रामजी दास भुंबला MD MR सिटी स्कूल। इन्हों सारे तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहना क्योंकि समय की घाट करके समा नहीं दे सकांगा। अंत दे विच बहुत सत्कार दे नाल मैं बेनती करा मानयोग स्पीकर साहब राणा कंवरपाल सिंह जी, वो आप सारे दे रूबरू होना ते अपने परिवार दे नाल अपना दुख साझा करन। राणा कंवरपाल सिंह जी, गरड़ प्राण जी की हाजरी च बैठे पूज्य पंडित जी, अज की इस शोक सभा च विराजमान भाओ भैनो, मेरे तो पहला बहुत सारे विद्वान बुलारिया ने थोड़े नाल गल सांझी कीती कि पिछले दिनी साढ़े सब दे प्यारे सुदेश कुमार जी कई साहब साढ़े थोड़े को हमेशा वास्ते रुखसत हो गए, चले गए, कहते जो आया सो चल सी, सब को आई बारी आ, ये जग की रीत है कि जो भी स्थानी दुनिया च आया वो चलिया गया, इत्थे हमेशा रहण दा सबब किसे नूं मिलिया नहीं। वड्डे वड्डे संत महापुरश पीर फकीर औलिए पैगंबर जिन्हां दा सवेरे उठ के ना लईदा, इंसान औखे टाइम जिन्हां दा सहारा लोचदा, आखर वो भी इस दुनिया चो चले गए। जे पीर फकीर नहीं रहे तां वड्डे वड्डे जोरावर लोग जिहड़े कहिंदे सी कि काल नूं भी मंजे दे पावे नाल बन्निया, वड्डे वड्डे परिवार सी, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण कर दिया ना बाती, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तै रावण कर थौ ना पाई। इदां दे लोग भी इस दुनिया चो चले गए और जिहड़े अवतारी पुरश होए आ उन्हां ने भी पर्दा कीता, भावें दुनियावी तौर ते सी, गुरु महाराज दसम पातशाह बचित्र नाटक च फरमाउंदे आ जिते राम हुए अंत सभै हुए, भगवान राम दे भी जितने अवतार होए आखिर इस फानी दुनिया चो चले गए, इत्थे रहण दा मौका हमेशा किसे नूं मिलिया नहीं। एक तलख हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि हमेशा रहना किसे ने नहीं, पर ये भी नाल दी नाल है कि जिहड़ा विछोड़े दा दर्द है ये इन्ना डूंघा है कि इहनूं बर्दाश्त करना सब तो औखा है। जे बंदा सवेर नूं घरों किसे कम चलिया जाए, शाम नूं समय सिर वापस ना आए, तो घर वाले दरवाजे ते खड़े हो के डीकदे, पर जे पता होए कि जिहड़ा चलिया गया इहदा जाणा सदीबी है, इहने हुण मुड़ कदे आउणा नहीं, इहदा हुण चिट्ठी पत्र मिलणा नहीं, ते ओह जाण वाला भी जे सुदेश जी वर्गा परिवार का मुखी होवे जिन्हें समाज की सेवा कीती होवे, अपने परिवार नूं चन लाए होण, अपने मित्र दोस्त रिश्तेदारां की खिदमत कीती होए, अपने परिवार नूं अगे लिजाण विच वड्डा योगदान पाया होवे, इहो जिहा बंदा चलिया जाए फिर वह कहिंदे ने विरहा विरहा आखिए विरहा तू सुल्तान, विछोड़े का जिहड़ा दर्द है इस तो वड्डा फिर होर कोई दर्द हुंदा नहीं, इस दर्द नूं बयान नहीं किया जा सकता, ये केवल महसूस किया जा सकता, तो महसूस भी वह कर सकता जिन्हें ये दर्द अपने पिंडे ते हटाया हो, जिहड़ा इस दर्द चो निकलिया होवे उहनूं महसूस हुंदा कि ये विछोड़े का दर्द किड्डा डूंघा है तो किड्डा तकलीफ दे।
ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਮ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਘੱਟਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਬੂਹਾ ਰੋਗੀ ਬੂਹਾ, ਬੂਹਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਵੈਦ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰੋਗੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਸੋਗ ਕਰੀਜਾ ਤੋ ਕਰੀਜਾ ਜੋ ਆਪਣ ਜੀਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ 'ਚ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ,
मेरा भी इस परिवार नाल बड़ा निजी संबंध है। जब भी कितने अगे पिछे जाना है तो जरूर इन्हों को 10 मिनट इन्हें घर बैठ के जाना है। बड़िया चंगिया गल्लां और आ तक दे आस नहीं सी कि इन्नी जल्दी ऐसा हो जाएगा कि इन्नी जल्दी साढ़े को पिछड़ जाएंगे। अचनचेत जो कुछ भी होया पर बई महाराज का भाणा है अखीर चाह के गल यही है कि मनना पैंदा। रविदास महाराज जी कहिंदे जो दिन आवै सो दिन जावै, करना कूच रहंतर नाही, संगत चलत है हम भी चलना, दूर गबन सिर उपर मरना। बई ये दिन चढ़दा भी है तो रोज़ दिन छिपदा भी है, आना जाना संसार का दस्तूर है, तो जिहड़ी मौत है ये हर आदमी के सिर पर खड़ी है। कद किस बंदे को उन्हें पहुँच जाना इस गल का इंसान को अंदाजा नहीं होंदा। सो इन शब्दों के नाल मैं भरपूर श्रद्धा के फुल भेट करता पिछड़ी रूह प्रति और अरदास करता है कि जिस ढंग नाल कही साहब ने खिदमत की है, उन्होंने सपुत्र, उन्होंने परिवार के बाकी मैंबर, उन्होंने मित्र दोस्त कट्ठिया हो के अपने समाज के अपने सूबे की उस तरीके सेवा करते रहन, इन्हां ते तुहाडा आशीर्वाद है। ये जिहड़ा टिंकू है ये खास प्यारा है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, मैनू अज भी याद है। एक दफा इतने दाणा मंडी च आए थे तो मैं आप उन्होंने कन्न च कहा कि चलो टिंकू की दुकान पर चलते हैं, कि दुकान पर बैठे रह जाके हूँ भी यू पूरा उन्होंने हथ है। तो सब तो वड्डा हथ संगत का हथ हों, जिते एड्डी वड्डी संगत का हथ है उत्थे परमेश्वर का हथ हों। परमेश्वर का हथ आवे, परमेश्वर का आशीर्वाद हो, फिर किसी गल की कोई कमी रही नहीं। सो थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीत राम चांसी जी नंदवाल तो, राणा रणजीत कौशल जी सबका प्रधान नगर कौंसल बलाचौर, श्री हरिपाल कलसी जी, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार ठाकुर SMO साहब, इन्होंने सारे तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। संगत लिए एक बार फिर बेनती है कि 5-7 मिनट का साडा इस तरह सहयोग करो। 5 मिनट के बाद पगड़ी की रस्म होने तो बाद कई साहब आप गेट से आके इस परिवार के नाल जिन्हों का बहुत पुराना रिश्ता दुख की घड़ी के शरीक होए, साढ़े पंजाब विधानसभा के स्पीकर मानयोग राणा कमरपाल सिंह जी, साढ़े सत्कारयोग MLA साहब सरदार रंगत सिंह नवांशहर जी, चौरी दर्शन लाल मंगूपुर जी MLA हलका बलाचौर, नाल ही बहुत लंबे समय तो जिन्होंने अपनी ड्यूटी लेंदे ने, कि जो दुख में शरीक होइए तो दुख घटदा, जो खुशी दे विच शरीक होइए तो खुशी बढ़ती है। अज तुसी सारे कई परिवार के दुख दे विच शरीक होए हो, इस दुख नूं तुसी हलका कीता है, जख्मां ते मलम पट्टी है जिहड़ी वो तुसी कीती है, कई परिवार थोड़ा ऋणी है। मैं तो पहला सारे बुलारे ने इस परिवार बारे के समय तो इस बलाचौर शहर की सेवा कर रहा, थोड़े प्यार की बदौलत जिन्होंने दूसरी बार बलाचौर नगर कौंसल की प्रधानगी जी वो तुसी लोगों ने दी है। हमेशा ही लाला सुदेव जी ने भी यही गल टिंकू जी ने कही है कि लोगों की सेवा जी बढ़ चढ़ के की जाए, ये उन्होंने पद चिन्ह से चल रहे हैं, राजनीति के बड़े उतरा चढ़ा आते रहते हैं, पर परमात्मा ने कृपा की है ये परिवार से अपनी थोड़े लोगों के सहयोग के नाल ये परिवार थोड़ी सेवा कर रहा है। मेहनत दे राजनीतिक लीडर साहबान बैठे है, स्पीकर साहब बैठे है, थोड़ा सारे बेनती है कि जिमें पहला परिवार के नाल इसी तरह तुसी अपना प्यार ते स्नेह जिहड़ा दिखाते रहना, ये परिवार हमेशा थोड़ी सेवा दे विच हाजिर रहेगा। मेहनत दे विच लंबे समय तो बैठे तुसी लोग बहुत जड़े सवेर तो इतने आके चले गए, सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी इस दुख की घड़ी के शरीक हो, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।